नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं ये सिद्धेश्वर मंदिर के महंत गुरु जी हैं। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी का आशीर्वाद लेना, चरण छूना परमात्मा के बराबर होता है। आइए हम बात करते हैं गुरु जी से। गुरु जी क्या आशीर्वाद देते हैं अपने भक्तों को? मैं सिद्धेश्वर सिद्धपीठ झांसी के समस्त गुरुकुल परिवार की ओर से, गुरु परंपरा की ओर से सिद्धेश्वर, मैं आपको स्मरण करा दूं, सिद्धेश्वर गुरु परंपरा पूज्य स्वामी जी महाराज द्वितीय पीताम्बरा पीठाध पीठाधीश्वर जी की परंपरा है। पूज्य महाराज जी 1928 में सबसे पहले सिद्धेश्वर पीठ आए थे। यहाँ भगवान का जमीन से खुदाई में प्रकट हुए थे भगवान, तो उनको स्थापना के लिए मंदिर का शुभारम्भ करवाने के बाद 29 में दतिया गए थे। तो उसके बाद हमारी भी गुरु दीक्षा पूज्य महाराज जी के पास ही हुई, वहीं शिक्षा हुई, तो वही गुरु परंपरा सिद्धेश्वर पीठ की गुरु परंपरा है। मैं सभी की विजय की कामना करता हूँ। माँ पीताम्बरा जी से बारंबार उनके चरणों में मैं अपनी ओर से, पूरे देशवासियों की ओर से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि भारत की विजय हो, भारत का संपूर्ण विकास हो, लोग आपस में प्रेम और सद्भाव से रहें, ऐसी हमारी कामना है। पूरी मानवता के लिए लोग भलाई के लिए काम करें और दुष्टों के संहार के लिए लोग सजग रहें, जागरूक रहें, जिससे पूरी मानवता सुरक्षित रहता है, पूरी दुनिया की मानवता सुरक्षित रहे और भारत में जो भी आतताई हैं, जो भी विघटनकारी तत्व हैं, उनका समन हो, दमन हो, उनका विनाश हो, ऐसी पीताम्बरा पीठ की परंपरा के अनुरूप मैं राष्ट्र रक्षा की बात करता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ, मंगल कामनाएँ कह देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ ओम जय श्री राम, हर हर महादेव, जय पीताम्बरा माई। आज गुरु जी और भी कार्यक्रम है आपका, आपके भक्तों तक पहुंचे आपकी वाणी? आज मूल रूप से तो हमारे जो गुरु पूर्णिमा होती है आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को, उसके केवल गुरु पूजन ही का विधान है, केवल गुरु पूजा होती है। गुरु में ही ब्रह्मा विष्णु महेश को हम लोग मानते हैं। पहले जो मानवीय व्यवस्था थी उसमें बहुत शक्ति थी, सतयुग में तो सीधे सीधे से भी देवताओं से भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश से भी हमारा संपर्क होता था, त्रेता में भी देवताओं से हमारा सीधा संपर्क था, लेकिन कलयुग में वो सब सामर्थ्य मनुष्य के शरीर में नहीं है, इसलिए मानव रूप में हम ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवताओं को, भगवान शंकर को, उनके स्वरूप को, उनका भाव लेकर के हम गुरु, एक मानव रूपी गुरु में पूजा करने की परंपरा वेदव्यास जी के जन्मदिन पर प्रारंभ हुई है और तब से लेकर अनवरत रूप से ऋषियों के, विद्वानों में, शिक्षकों में, माता पिता में हम गुरु की पूजन करने की सनातन परंपरा है। तो आज ही उसी ऋषि परंपरा का हम पालन करते हैं, कर रहे हैं और इसी परंपरा को सजीव बनाए रखने के लिए, गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए, और जो हमारी सनातन शिक्षा पद्धति थी, जो हमारी क्रियात्मक प्रैक्टिकली क्रिया, जो पारंपरिक हमारी जो शैली थी, जो तकनीकी थी, उन सबको पुनर्जीवित होना चाहिए, जिससे भारत का विकास हो, लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, नौकरी के लिए ना भटकें, बल्कि हम इतने स्वरोजगारी बन जाएं कि दूसरों को काम देने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकें, ये मेरे भगवान से कामना करता हूँ। आप सब किसी भी यही अपेक्षा करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु साटा, हाँ वो साटा देखो, आधा इंच है कि एक इंच है? स्वस्थ रहो, सारा बहुत बहुत जोर।